हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो फ्रेंड्स देखिए, हिंदी वाले एमसीक्यूज की वीडियो है ये, ठीक है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंदी एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, मैं लगातार जीएस टॉप 5000 एमसीक्यूज, उत्तराखंड एमसीक्यूज और हिंदी एमसीक्यूज की सीरीज देते जा रहा हूँ आपको, इसलिए क्योंकि 25 को एग्जाम है आपका, वीपीडी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ में जो भी हिंदी के प्रीवियस वीडियोज़ अपलोड हुए हैं चैनल पे, आप प्लीज़ एक बार उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें लास्ट टाइम पे, क्योंकि 25 को एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव कम पढ़ें अब, और जो भी मेन नोट्स हैं थोड़ा करंट अफेयर भी पढ़ लें फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो जो अभी मैंने दी थी इससे पहले, उसमें मैंने करंट अफेयर साल भर का उसकी लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इनमें से आपको शुद्ध शब्द ढूंढना है फ्रेंड्स। तो इसमें शुद्ध शब्द है फ्रेंड्स ऑप्शन बी ज्योतिष, ठीक है। बाकी सभी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अगर ध्यान से अगर आप वर्ड्स को देखें सभी, तो इनमें से नायिका जो है, नायिका वर्ड क्या है, ये अशुद्ध है फ्रेंड्स। बाकी सभी सही है, दीर्घायु सही है, तत्पुरुष सही है और टिप्पणी भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो आवरण का जो विलोम शब्द होता है फ्रेंड्स, वो होता है अनावरण, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पई शब्द का अनेकार्थक नहीं है, ठीक है। तो पई शब्द का अनेकार्थक इसमें नहीं है फ्रेंड्स, तालाब, ठीक है। जल, दूध, अन्न सभी पई का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नदी इसमें कौन सी संधि है फ्रेंड्स। तो नदी धन ईस, ठीक है। तो यहाँ पे आप पता चल रहा है ऑप्शन सी सही है, दीर्घ संधि हो रही है। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स महापुरुष में समास है कर्मधारय, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चालक का प्रत्यय क्या है। तो चालक में कौन सा प्रत्यय लगा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रत्यय वो होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखने। तो चालक में अक प्रत्यय लगा है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स। तो गायक का जो संधि विच्छेद होता है फ्रेंड्स, वो होता है गय धन अक, ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट है देखिए, लोकोक्ति है, अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, अंधा गाए बहरा बजाए, जैसा कि वर्ड से मेंशन हो रहा है, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आगे आने का अर्थ क्या है। तो आगे आने होता है फ्रेंड्स, कहीं पे भी आप बोलते हैं ना, अमूमन वर्ड्स बोलते हैं, यार मैं वो मेरे काम में आगे आ रहा है, ठीक है। तो आगे आने का होता है बीच में आना, ठीक है, परेशान करना, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है जो उसका पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करें ऊंट, ठीक है, ऊंट का ऊष्ट्र होता है फ्रेंड्स, क्रमलेख भी होता है, महाग्रीव भी होता है, तो घोटक नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है, घोटक घोड़े का होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कमल, तो ध्यान से अगर आप ऑप्शन को देखें तो कमल के सभी यहाँ पे पर्यायवाची हैं वासव को छोड़ के, ऑप्शन डी इसमें सही है। नेक्स्ट है कामदेव, कामदेव का अगर देखें फ्रेंड्स, तो कामदेव का इसमें से पर्यायवाची नहीं होता है यक्षराज, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए क्रोध, क्रोध की अगर मैं बात करूँ, सभी पर्यायवाची हैं किसको छोड़ के, क्रोध का पर्यायवाची उग्र को छोड़ के, ठीक है, बाकी सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए कुत्ता, तो कुत्ता के जो पर्यायवाची होते हैं स्वान, कुकर, सुक, सुनक, ठीक है, इसमें सुक को छोड़ के बाकी सभी कुत्ते के पर्यायवाची हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किरण, तो किरण रश्मि, किरमी, कर, मरीची, तो फ्रेंड्स किरमी शब्द को छोड़ के सभी इसके पर्यायवाची सही हैं, ठीक है। किरमी का मतलब होता है कीड़े, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कुशल, तो कुशल शब्द का पर्यायवाची फ्रेंड्स सभी दिख रहे हैं इसमें आपको ऑप्शन, केवल वंचक शब्द को छोड़ के सभी इसके सही पर्यायवाची है, ठीक है, तो वंचक इसमें गलत होगा। अगला है गंगा, गंगा का फ्रेंड्स सभी सही आपको दिख रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, केवल मैं बात करूँ त्रिवेणी को छोड़कर बाकी सभी गंगा के पर्यायवाची हैं, भगीरथी, मंदाकिनी और सुरसरिता, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपको छांटना है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही शब्द चुनना है, ठीक है। तो पहला है इसमें हास्य रस से परिपूर्ण नाटक क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो हास्य रस से परिपूर्ण नाटक होता है वो कहलाता है प्रहसन, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बुरे भाव से की गई संधि, तो देखिए बुरे भाव से कोई भी संधि की जाए, आपस में तालमेल किया जाए, इसे बोला जाता है फ्रेंड दुरभि संधि, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। अगला है देखिए जो किसी का पक्ष ना ले, तो फ्रेंड्स जो किसी का पक्ष ना लेता बिल्कुल तटस्थ कहलाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है देखिए जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये हिस्सा कहलाता है क्षितिज, ठीक है। अगला देखिए संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्रेंड गोधूली वेला,
ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, देश से विदेश में वस्तु बेचना, ये सिंपल है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है निर्यात। विदेश से देश में वस्तु लाना कहलाता है आयात, ठीक है। अगला है देखिए, हाथ में लेकर चलाई जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हाथ में जो लेकर हम हथियार चलाते हैं उसे बोला जाता है शस्त्र, ठीक है। और फेंक कर जो हथियार चला जाता है उसको बोला जाता है अस्त्र, जैसे भाला हो गया, भाला अस्त्र में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति का अधिकांश जीवन घूमते हुए बीता हो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्रेंड्स यायावर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक तत्सम शब्द है, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले देखा जाए तो दबना, दबाना, दमन, दमन, ठीक है। इसमें देखा जाए तो सही आंसर होगा पहला, तत्सम वर्ड होगा इसमें, ऑप्शन डी दमन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दूना, दुगुना, दोगुना, द्विगुना, ठीक है। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो द्विगुना इसमें सही तत्सम होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है धूम्र, धुआं, धूम, धूमिल, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें धूम्र क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया है, बेसिकली संस्कृत से निकले हुए वर्ड है, ठीक है। अगला देखिए, नाच, नाचू, नृत, नृत्य, तो नृत्य इसमें क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट है पंगत, पंगति, पंक्ति और पंगति, तो इसमें पंक्ति क्या है फ्रेंड्स, तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के चार विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो विलोम शब्द आपको इसमें ढूंढने हैं, तो प्रशंसा का विलोम होता है फ्रेंड्स निंदा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है जड़, तो जड़ का जो विलोम होता है फ्रेंड्स वो होता है चेतन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है फ्रेंड्स अनावृष्टि। अगला देखिए तामसिक, तो तामसिक का विलोम होता है फ्रेंड्स सात्विक। नेक्स्ट है तृष्णा, तो तृष्णा का विलोम होता है फ्रेंड्स वितृष्णा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखेंगे तृष्णा का जो विलोम होता है वो होता है वितृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट है निष्काम, तो निष्काम का जो विलोम होता है फ्रेंड्स वो होता है सकाम। अगला है निर्मल, निर्मल का जो विलोम होता है फ्रेंड्स वो होता है मलिन, ठीक है। निर्मल मतलब साफ होता है, मलिन गंदगी वाला। नेक्स्ट है ध्वंस, तो ध्वंस का जो विलोम होता है फ्रेंड्स ये होता है निर्माण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि एग्जाम के लिए आपसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो आप देखते रहें, सभी एमसीक्यूज वाली वीडियो को एक बार आप रिपीट करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।